आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। और रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा के ओम बिरला 17वीं लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। कार्रवाई शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, तृणमूल, द्रमुक और बीजेपी समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया और इसके बाद मोदी खुद उन्हें चेयर तक लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे डर है कि बिरला जी की नम्रता और विवेक का कोई दुरुपयोग न कर ले। कोटा बूंदी से सांसद बिरला ने नामांकन दाखिल किया था। मोदी ने कहा, ओम बिरला को इस पर आसीन देखना गर्व की बात है। पुराने सदस्य आपसे भली भांति परिचित है, राजस्थान में भूमिका से भी लोग परिचित है। वो जहाँ से आते हैं वो शिक्षा का काशी बन गया। कोटा एक तरह से लघु भारत बन गया है। हम लोगों की एक छवि बनी रहती है कि 24 घंटे हम राजनीति करते हैं, तू मैं करते हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट पॉलिटिक्स का जमाना जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संसाधनों की कमी और मरीजों की संख्या से अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। तीमारदारों का आरोप है कि बुखार से पीड़ित बच्चों को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ला रहे परिजनों को वापस लौटाया जा रहा है। बच्चों को ORS का घोल भी नहीं मिल रहा। अब तक मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से 112 बच्चों की मौत हो चुकी है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज पहुंचे बच्चों की माताओं ने कहा कि उनके बच्चे बुखार से पीड़ित हैं और आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया जा रहा। माताओं ने कहा, किसी ने हमें ORS के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उपलब्ध कराया। हमें AES के लक्षण नहीं पता हैं। हमारे बच्चे 4 से 5 दिन से बुखार से तप रहे हैं। डॉक्टर ने हमें बच्चों को दवाई देने को कहा और कहा इसके बाद भी अगर बुखार नहीं उतरा तो भर्ती कराया जाएगा और हमारे पास पैसा नहीं है। बिहार में चमकी बुखार से हो रही मौतों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। राहुल गांधी आज अपना जन्मदिन भव्य तरीके से नहीं मनाएंगे, केवल पार्टी कार्यकर्ताओं और बच्चों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि आज राहुल का 49वां जन्मदिन है। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। यहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा न देने की अपील की है। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद राहुल बच्चों से मिलेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान उन्हें लंबी जिंदगी और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। कांग्रेस ने राहुल के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित पार्टी दफ्तर में पेड़ लगाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और पार्टी हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा प्रतिनिधित्व करेंगे। TRS के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामा राव बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी भी PM मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार यानी कल शाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें इस विषय पर कोई फैसला नहीं हुआ था। TRS अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक राष्ट्र एक चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लोकसभा में सांसद पद की शपथ लेते वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने वंदे मातरम कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया। उत्तर प्रदेश के संभल से चुनाव जीतने वाले शफीकुर रहमान ने शपथ लेने के बाद कहा, जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है ये इस्लाम के खिलाफ है और हम इसे नहीं मान सकते। इसके बाद सदन में मौजूद अन्य नेताओं ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। कई सांसदों ने शफीकुर रहमान के इस बयान का विरोध भी किया और उनसे माफी की मांग की। संसद में करीब करीब हर सांसद ने अपनी शपथ के बाद अलग अलग नारे लगाए। इन नारों में जय श्री राम, जय मां दुर्गा, अल्लाह अकबर, राधे राधे, भारत माता की जय शामिल है।
अब दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।